वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिबास किचन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन कोफ्ते विद ग्रेवी, जिसके लिए हम सबसे पहले कोफ्ते तैयार करेंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं, यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया, यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने भुना हुआ बेसन ले लिया, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ले लिया, हसबे ज़रूरत नमक ले लिए, एक अंडा ले लिया मैंने और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ले लिया। अब यहाँ पर कीमे में मैं सबसे पहले नमक डाल दूँगी, उसके बाद हम लोग इसमें हमने जो काली मिर्च ली है वो डाल देंगे, उसके बाद में इसमें हमने जो अजवाइन ली है वो डाल दूंगी और लास्ट पे हमने जो इसमें भुना हुआ बेसन लिया है वो डाल दूंगी। अब इसमें मैं हमने जो अंडा लिया है वो तोड़ के डाल दूंगी और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी आपस में। अब मैंने इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, अब हम कोफ्ते तैयार करेंगे। अब कोफ्ते तैयार करने के लिए यहाँ पे हाथों पे सबसे पहले मैंने ऑयल लगा लिया। मैं थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेती जाऊँगी और गोल गोल कोफ्ते तैयार करती जाऊँगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसमें मैं हसबे ज़रूरत ऑयल डाल दूंगी, जितना का हमें कोफ्तों को फ्राई करने के लिए चाहिए और उसे 30 से 40 सेकेंड प्री हीट होने दूंगी। अब हमारा जो ऑयल है वो प्री हीट हो गया, मैं इसमें कोफ्ते डालना स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ 3 से 4 प्याज ले लिए जिन्हें बारीक बारीक काट लिया, 3 से 4 टमाटर ले लिए जिन्हें चॉप कर लिए, 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर ले लिया, 1/2 कप मैंने दही ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 10 से 12 जब लहसुन के ले लिए जिन्हें मैंने चॉप कर लिया, यहाँ पे 10 से 12 मैंने सबस मिर्चें ले लिए जिन्हें चॉप कर लिया, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर लिया, हसबे ज़रूरत नमक ले लिया, 1 टेबलस्पून हल्दी लिया और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है मैंने। अब हमने अपने जो कोफ्ते हैं उन्हें 2 से 3 मिनट हर साइड से अच्छे तरीके से हल्के फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि वो अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो जाए। मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया एक कढ़ाई में, जिसे मैंने 30 से 40 सेकेंड प्री हीट होने दे दिया। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी जो हमने लिए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी, तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। प्याज वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं इसमें पानी का छींटा दे दूंगी। अब इसमें पानी का छींटा देने के बाद मैंने इसे 30 से 40 सेकंड थोड़ा भून लिया। अब इसके बाद इस हमने जो चॉप किया हुआ लहसुन है वो इसमें शामिल करना है, उसे डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। बाद इसमें मैं सब्ज मिर्च डाल के अच्छे तरीके से उसे भी मिक्स कर लूंगी और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सारी चीजों को भून लूंगी, बहुत अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भूनना है हमने इन्हें। अब इसको 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हम लोगों ने जो टमाटर लिया है वो इसमें डाल दूंगी। मैं टमाटर डाल के अच्छे तरीके से मैं इसे अब मिक्स कर लूंगी और इसको फिर तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लूंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लूंगी। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसका पेस्ट बना लिया, इसे मैं वापस कढ़ाई में डाल दूंगी। अब इसको वापस कढ़ाई में डालने के बाद में मैंने इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर दिया है। अब उसको डालने के बाद मैंने इसे 30 से 40 सेकेंड थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें हमने जो दही लिया है अब हम लोगों ने जो वो इसमें शामिल कर देंगे हम लोग, उसको शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी।
यहाँ पे दही शामिल कर दिया मैंने। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। दही को मिक्स करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लूँगी। अब इसको 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे जो लाल मिर्च ली है वो डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और उसके बाद हमने जो इसमें ज़ीरा लिया है वो शामिल कर दूँगी मैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको मज़ीद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर दूंगी ताकि हमारा जो ग्रेवी का कलर है वो अच्छा सा ब्राइट सा रेड आ जाए। अब मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर दूंगी जो हमने तैयार किए हैं, और उसके बाद आप अपनी ग्रेवी को जितना थिक रखना चाहते हैं उसके मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करके इसे 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। अब मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके अच्छे तरीके से पका लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हमने जो गरम मसाला लिया था वो इसमें शामिल करके मैं इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, और उसके बाद हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल तैयार है जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं इनका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।